hello students i am nidhi bhart your science teacher in previous video we had completed chapter number 14 sources of energy and today we will discuss exercise question answer of this chapter so let's begin question number first a solar water heater cannot be used to get hot water on option a a sunny day option b a cloudy day option c a hot day and option d a windy day so students option b a cloudy day क्योंकि जब क्लाउड्स होंगे तो सन की जो रेडिएशन है सोलर रेडिएशन वो ठीक तरह से वाटर हीटर पे नहीं पहुंच पाएंगे इसलिए हम उसको वाटर हीट करने में यूज़ नहीं कर पाएंगे सो ऑप्शन बी अ क्लाउडी डे इज़ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायो मास एनर्जी सोर्स इन गिवन एग्जाम्पल्स में से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है ऑप्शन ए वुड बी गोबर गैस सी न्यूक्लियर एनर्जी एंड डी कोल सो स्टूडेंट ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी क्योंकि जो वोट गोबर गैस और कोल है ये प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट हैं मीन्स ये क्या है एनर्जी सोर्स हैं जबकि न्यूक्लियर एनर्जी हमें न्यूक्लियाई के फ्यूजन से मिलती है तो ये बायोमास नहीं है सो ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी इज करेक्ट आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी मोस्ट सोर्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें मोस्टली सोलर एनर्जी स्टोर फॉर्म में होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन्स एनर्जी इनमें से कौन से सोर्स में सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है सो ऑप्शन ए जियोथर्मल एनर्जी ऑप्शन बी विंड एनर्जी ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी एंड ऑप्शन डी बायोमा सो स्टूडेंट ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी इज करेक्ट आंसर बिकॉज जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है इनर अर्थ का उसमें कहीं ना कहीं सन के टेम्परेचर का सोलर रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है विंड एनर्जी विंड्स क्यों मूव होती हैं सन की जो अनइवन हीटिंग होती है सोलर रेडिएशन की उनके कारण विंड्स का मूवमेंट होता है और बायोमास यानी प्लांट्स भी सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं इट मीन्स इन सभी में कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी का यूज़ हो रहा है बट न्यूक्लियर एनर्जी में सोलर रेडिएशन का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है सो ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी इज़ करेक्ट आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसल फ्यूल्स एंड द सन एव डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें सोलर एनर्जी और फॉसल फ्यूल का कंपेरिजन करना है सो स्टूडेंट्स फॉसल फ्यूल एंड सन फॉसल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसल फ्यूल कैसे हैं नॉन रिन्यूएबल है मीन्स इनके जो रिजर्व्स हैं वो किसी ना किसी दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे जबकि जो सोलर एनर्जी है वो हमें आ, मिलती रहेगी लाइफ अलॉन्ग ठीक है सो so, सन so, क्या है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वाइल फॉसल फ्यूल कैसे है नॉन रिन्यूएबल ठीक है नेक्स्ट फॉसल फ्यूल कॉज अ लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन फॉसल फ्यूल के कारण क्या होता है एयर पॉल्यूशन होता है जब भी हम कोल्ड पेट्रोलियम इनको बंद करते हैं तो कार्बन सलफायर नाइट्रोजन इनके ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं और वह क्या करते हैं एयर पॉल्यूशन बट सन की जो एनर्जी है इट इज़ पॉल्यूशन फ्री एंड डजेंट कॉज एनी पॉल्यूशन इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है ओके okay? दे विल एग्जॉस्ट इन फ्यूचर जो फॉसल फ्यूल हैं वो फ्यूचर में कभी ना कभी एग्जॉस्ट हो जाएंगे वाइल जो सन से जो एनर्जी मिल रही है वो कैसी है नॉन एग्जॉस्टिबल सो इट इज़ नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ओके एनर्जी कैन बी टैक थ्रू आउट द ईयर फॉसल फ्यूल से हम एनर्जी थ्रू आउट द ईयर कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं बट सन से जो एनर्जी मिल रही है उसको हम नाइट में या क्लाउडी डे में यूटिलाइज नहीं कर सकते सो एनर्जी कैन नॉट बी टैप्ड ड्यूरिंग नाइट एंड क्लाउडी एंड रेनी डेज सो स्टूडेंट ये डिफरेंस है फॉसल फ्यूल्स और सोलर एनर्जी ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्पेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कंपेयर करना है बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सो बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बायोमास मीन्स प्लांट और एनिमल वेस्ट से जब हम बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं उससे जब हमें एनर्जी मिलती है दैट इज एनर्जी। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम जो रनिंग वाटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बायोमास कैसा सोर्स है रिन्यूएबल सोर्स है हमें जो वुड है चारकोल है गोबर गैस है बायोगैस है ये बार बार हमें जनरेट करके मिलती रहती है ओके स्टूडेंट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कैसा है रिन्यूएबल सोर्स है हम अगेन उस रिवर वाटर को कलेक्ट करके अगेन उसकी काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं तो दोनों ही रिनेबल सोर्स हैं नेक्स्ट पॉइंट बायोमास प्लांट कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी प्लेस टू प्रोड्यूस बायोमास एज एनर्जी सोर्स बायोमास प्लांट को हम कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहाँ पे हमें उस वेस्ट को कलेक्ट करके उससे बायोगैस का फॉर्मेशन करना होता है बट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्लांट हैं वो हम वहीं पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जहाँ पे एक लार्ज ओपन एरिया अवेलेबल हो ताकि हम वहाँ पे डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकें सो प्लांट कैन बी इंस्टॉल्ड ओनली एट द प्लेसेस वे आर डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड तो वहीं पर ये प्लांट्स लगाए जा सकते हैं कलेक्टिंग वेस्ट मटीरियल इज़ अ टफ एंड कॉस्टली प्रोसेस एनर्जी को यूज़ करने के लिए हमें वेस्ट मटीरियल को कलेक्ट करना है जो कि एक टफ और एक कॉस्टली प्रोसेस होता है बट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वंस द प्लांट्स स्टार्ट टू वर्क इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कलेक्ट वाटर एक बार प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया व डैम्स कंट्रक्ट हो गया उसके बाद हम इजीली वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं सो स्टूडेंट दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रक्टिंग एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट है द विंड तो विंड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में हमें क्या क्या लिमिटेशंस देखनी पड़ती हैं सो स्टूडेंट्स विंड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एक लार्ज ओपन एरिया की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हाई स्पीड से विंड्स का चलना होना चाहिए तभी हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं सो विंड एनर्जी फार्म्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एवरीवेयर द विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेस वे आर विंड ग्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर हम विंड एनर्जी फॉर्म को वहीं पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ थ्रू आउट द ईयर विंड्स जो हैं वो मूव करती रहती हैं ओके स्टूडेंट नेक्स्ट द विंड रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्ट्रांग एंड स्टिडी टू मेंटेन द डिज़ायर लेवल ऑफ जनरेशन डिजायर लेवल की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो विंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और स्टिडी यानी कंटिन्यूसली फ्लो होनी चाहिए द मिनिमम विंड स्पीड नेसेसरी फॉर सेटिसफैक्ट्री वर्किंग ऑफ द विंड जनरेटर इज अबाउट 15 किलोमीटर पर आवर मीन्स मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली विंड्स वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए तभी हम विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं दिस इज़ नॉट ऑलवेज सो और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इतनी स्ट्रांग और स्टीडी विंड्स हमें अवेलेबल हो जाए द विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर्ड लार्ज एरिया ऑफ लैंड और विंड एनर्जी फार्म के लिए हमें एक लार्ज ओपन एरिया की रिक्वायरमेंट होती है एंड द सेटिंग अप ऑफ विंड एनर्जी फार्म इज़ वेरी एक्सपेंसिव और ये जो विंड एनर्जी फार्म है इसका सेटअप भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है तो ये कुछ लिमिटेशन हैं जो हमें विंड एनर्जी को यूटिलाइज करने में फेस करनी पड़ती हैं नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वेव्स तो वेव्स एनर्जी को यूटिलाइज करने में क्या क्या लिमिटेशन होती है स्टूडेंट तो यहाँ भी वेव्स जो है वो स्ट्रॉन्ग स्पीड वाली होनी चाहिए तभी हम उसकी एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे सो द हार्नेसिंग ऑफ सी वेव्स एनर्जी वुड बी वायबल प्रपोजिशन ओनली एट दोज प्लेज वेयर सी वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग तो जहाँ पे सी वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वहीं पर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं दिस हैज कंसनट्रेंस ऑफ टाइम एंड लोकेशन यानी यहाँ पे लिमिटेशन है टाइम की और लोकेशन की ठीक है तो थ्रू आउट द ईयर हमेशा हाई स्पीड वेव्स चले ये भी जरूरी नहीं है और लोके, हर लोकेशन पे ऐसा अवेलेबल हो ये भी जरूरी नहीं है तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है टाइम की और लोकेशन की ओके स्टूडेंट द नेक्स्ट पॉइंट टाइट्स टाइडल एनर्जी को यूज करने में क्या लिमिटेशन है देखेंगे स्टूडेंट देर आर वेरी फ्यू साइट्स अराउंड द वर्ल्ड विच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग टाइडल डैम कुछ ही साइट्स पे हम टाइडल डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड द राइस एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स इज़ नॉट एनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल तो जो हाई टाइड और लो टाइड्स होती हैं उनका मूवमेंट हमेशा इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि हम उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकें ओके स्टूडेंट तो ये कुछ लिमिटेशंस थी हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन वॉट बेसिस वुट यू क्लासीफाई एनर्जी सोर्सेज एस हम किस इस बेसिस पे एनर्जी सोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं तो फर्स्ट है रिनेबल एंड नॉन रिनीबल एंड सेकेंड है एग्जॉस्टिबल एंड इनएजॉस्टिबल मीन्स इसमें क्या डिफरेंस है हमें बताना है एंड आर द ऑप्शन गिवन इन एंड बी द सेम ऑप्शन ए में जो रिनेबल और नॉन रिनीबल के बारे में बताया और बी में एक्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल बताया क्या ये सेम चीज़ है यस स्टूडेंट सो स्टूडेंट समझेंगे रीन सोर्स मीन्स जिन्हें रीजनरेट किया जा सके मीन्स जो अगेन एंड अगेन यूज़ किया जा सके और वो कभी भी डिप्लीट नहीं होता कभी भी ख़त्म नहीं होता तो उसी को हम इनएगजॉस्टिबल भी कहते हैं तो जो सोर्स रीनबल होंगे वही सोर्स क्या है इनएजॉस्टिबल है मीन्स वो रीजनरेट होते हैं और कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते कभी भी डिप्लीट नहीं होते एंड नॉन रेनेबल सोर्स जिनको हम रीजनरेट नहीं कर सकते जो बहुत लॉन्ग प्रोसेस से फॉर्मेशन हुआ है जिनका लाइक फॉसल फ्यूल कोल्ड पेट्रोलियम तो उनके जो रिजर्व हैं वो एक ना एक दिन जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर हम इसी तरह उन्हें कंज्यूम करते रहे तो दीज सोर्स आर एग्जॉस्टिबल तो नॉन रेनेबल सोर्स को ही हम एग्जॉस्टिबल सोर्स भी कहते हैं ओके स्टूडेंट सो रिनेल फोर्स दोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बींग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है जैसे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी हम रीजनरेट कर सकते हैं बार 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 विंड चलती रहेगी सोलर एनर्जी को हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं इन नेचर एंड आर इनएसटिबल और वही क्या है इनएग्जॉस्टिबल भी है आर कॉल्ड रीनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो ऐसे सोर्स जो कंटिन्यूसली जनरेट हो रहे हैं नेचर में अपने आप ही और हमको कंटिन्यूसली हम उसको यूज़ कर सकते हैं वो कैसे सोर्स हैं दीज आर रीन सोर्स और वी कैन से इनएग्जॉस्टिबल सोर्स द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर फॉर एग्जाम्पल फ्लोइंग वाटर की एनर्जी हम बार बार वाटर को कलेक्ट करके फ्लो कर सकते हैं विंड एनर्जी टाइट्स ओशियन वेव्स और वट आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सच सोर्सेज तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे रिनेबल सोर्स के नाउ नॉन रिनेबल सोर्स दीज सोर्सेज आर प्रोड्यूसड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर स्पेशल कंडीशन तो जो नॉन रिनेबल सोर्स हैं वो स्पेशल कंडीशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म हुए हैं लाइक कोल पेट्रोलियम जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ के डीप अर्थ में बरिड हो गए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर उनको मिला तो वो बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए तो मीन्स इनके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सो वंस कंज्यूम दीज आर नॉट रिप्लेसेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम लाइक फॉसिल फ्यूल तो अगर ये कंज्यूम हो गए एक बार तो ये रिप्लेसेबल नहीं है ठीक है लाइक like कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिनेबल सोर्स ये किसके एग्जाम्पल है हमारे नॉन रिनेबल सोर्स एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जॉस्टिबल सोर्स एग्जॉस्टिबल सोर्स आर नॉन रिनेबल सोर्स तो जो एग्जॉस्टिबल सोर्स है उसका मतलब क्या है जो एग्जॉस्ट हो गए जो खत्म हो गए मीन्स नॉन रिन्यूएबल तो ये एक ही मीनिंग है आइदर वी कैन से एग्जॉस्टिबल आइदर वी कैन से नॉन रिनेवेबल वाइल इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज आर रिनेवेबल सोर्स जो इनएग्जॉस्टिबल है मीन्स जो ख़त्म नहीं हो सकते वो क्या है हमारे रिनेवेबल सोर्स ओके स्टूडेंट सो वी कैन सेव द ऑप्शन गिवन इन एंड बी आर द सी तो ए से क्लासिफिकेशन करें चाहे हम चाहे हम बी पॉइंट से क्लासिफिकेशन करें एक ही बात है ओके okay, स्टूडेंट जो हमारे रिनेवेबल सोर्स हैं उन्हीं को हम इनएक्टिबल कहते हैं और जो हमारे नॉन रिनेबल सोर्स हैं उन्हीं को हम एग्जॉस्टिबल सोर्स कहते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी एक आइडियल एनर्जी सोर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए सो मस्ट गिव एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नेट एनर्जी मीन्स एनर्जी प्रॉपर मिलनी चाहिए ठीक है यानी कैलोरीफिक वैल्यूज की हाई होनी चाहिए मस्ट बी कन्वीनियंट टू यूज सो एज टू गिव एनर्जी एज अ स्टडी रेट कन्वीनियंट होना चाहिए यूज में और स्टडी रेट से हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके ओके स्टूडेंट मस्ट बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट और उसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो और किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर्स के साथ नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट एक गुड एनर्जी सोर्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर आर देयर प्लेसेज वेयर सोलर कुकरस वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी मीन्स हमें सोलर कुकर की क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है और कौन से प्लेसेस पे सोलर कुकर की यूटिलिटी लिमिटेड हो जाती है वो हमें बताना है सो स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर कुकर द यूज़ ऑफ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड से प्रीशियस फ्यूल लाइक कोल कैरोसिन एंड एल तो अगर हम सोलर कोकर में फूड को कुक करेंगे तो हमारे जो प्रीशियस फ्यूल है जो कि लिमिटेड अमाउंट में है लाइक कोल कैरोसिन एल वो हमारे बच जाएंगे ठीक है तो उन पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे उनको हम सेव रख सकते हैं ओके द यूज ऑफ सोलर कुकर डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ड्यू टू विच इट डज नॉट पॉल्यूट एयर और इसमें कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता मीन्स ये एयर पॉल्यूशन नहीं करता तो ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है इसका यूज करना ओके स्टूडेंट मैन फूड इज़ कुकड इन सोलर कुकर इट्स न्यूट्रिय डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड जब हम सोलर कुकर में फूड को कुक करते हैं तो स्टूडेंट स्लो कुकिंग होती है तो जो उसके न्यूट्रियट होते हैं वो मेनटेन रहते हैं तो वो फूड हमारे लिए भी बेनिफिशियल है दैन ज बिकॉज इन अ सोलर कुकर फूड इज कुकम्पेटिवली लोअर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पर फूड कुक होता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन हैं मिनरल्स हैं वो उसमें मेंटेन रहते हैं ओके स्टूडेंट इन अ सोलर कुकर अप टू फोर फूड आइटम्स कैन बी कुकड एट द सेम टाइम इस तरह के फोर बॉक्स होते हैं उसमें तो एक साथ हम फोर टाइप के फूड को कुक कर सकते हैं तो ये हमारे क्या हो गए सोलर कुकर के एडवांटेज नेक्स्ट वाट आर द डिसडवाटेज ऑफ यूजिंग सोलर कुकर क्या क्या डिसएडवांटेज है द सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज टू कुक फूड ड्यूरिंग नाइट बिकॉज सनशाइन इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम हम नाइट के टाइम में सोलर कुकर में फूड कुक नहीं कर सकते क्योंकि तब हमें सोलर रेडिएशन नहीं मिलेंगी इफ़ द डे स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड्स और दिन के टाइम में भी स्काई में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं तो हम सोलर कुकर को यूज़ नहीं कर सकते हैं इवन दैन सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज टू कुक फूड तो उस कंडीशन में भी हम सोलर कुकर को यूज़ नहीं कर सकते ओके एंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर कुकर हैज़ टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप इट फेसिंग द सन अगर आपने सोलर कुकर को अपनी छत पर रख दिया है तो हमें बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी ताकि उसको वो मिरर से फोकसिंग डिवाइस से प्रॉपर सोलर रेडिएशन मिल सकें तो बार बार उसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ती है ओके स्टूडेंट द बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज फॉर बेकिंग बेकिंग प्रोसेस में यूज़ नहीं कर सकते हम इसे मेकिंग चपातीज इसमें चपातीस फॉर्म नहीं हो सकती हैं एंड फॉर फ्राइंग और कोई चीज़ की फ्राइंग इसमें नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए हमने डिस्कस किया था अबाउट वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और सोलर कुकर में मैक्सिमम टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ही अटेन हो सकता है तो हम वहाँ चपातीस बेक नहीं कर सकते और कोई फ्राइंग का पर्पज़ वहाँ पर सॉल्व नहीं होता

नहीं कर सकते ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी जो एनर्जी की इंक्रीजिंग डिमांड हो रही है उससे एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है एंड व्हाट स्टेप वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन हम क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं जिससे एनर्जी कंजप्शन थोड़ा रिड्यूस ओके स्टूडेंट सो सम ऑफ द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी आर द फॉलोइंग कौन-कौन से इफेक्ट पड़ रहे हैं एनवायरमेंट पे द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज प्रोड्यूसिंग एसिड रेन जितना ज्यादा हम कॉम्बेशन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का तो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज हो रहे हैं और वो एनवायरनमेंट में वाटर के साथ मिक्स होकर के एसिड रेन फॉर्म करते हैं और जब ये एसिड रेन हमारे अर्थ पे आती है तो ये डिस्ट्रॉय करती है प्लांट्स को सॉयल को मोन्यूमेंट्स को और एक्वेटिक लाइफ को सो एंड डैमेजिंग प्लांट्स क्रॉप सॉयल एंड एक्वेटिक लाइफ इन सभी पे एसिड रेट का बैड इफेक्ट पड़ रहा है ओके स्टूडेंट्स द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूज इज़ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस और जो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन इनका भी रिलीज बहुत ज़्यादा हो रहा है जब हम फॉसिल फ्यूज को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और क्लाइमेट में चेंज आ रहा है ठीक है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर इट हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द रेनफॉल उसके कारण रेनफॉल भी डिक्रीज होता जा रहा है तो वाटर का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ठीक है और ग्लोबल वार्मिंग के भी बहुत सारे इफेक्ट्स हमारे एन्वायरमेंट पे पड़ रहे हैं ओके स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर ऑप्टेनिंग फायरवुड इज कॉजिंग सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड लाइफ जो फायरवुड है उसके के लिए हम क्या करते हैं फॉरेस्ट को कट करते हैं तो जितना आप फॉरेस्ट कट करते हैं तो सॉइल इरोजन बढ़ता है क्योंकि जो प्लांट्स uh, की जो रूट्स होती हैं वो बाइंड करके रखती हैं सॉइल को तो जैसे जैसे उस पर से वेजिटेशन कवर रिमूव हो जाता है तो उस सॉइल को बाइंड uh, करने वाला वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता और विंड के थ्रू वाटर के थ्रू वहाँ क्या होता है सॉइल रीजन और वहाँ धीरे धीरे जो एक बहुत फर्टाइल लैंड था वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है ओके okay, स्टूडेंट और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाती है ओके स्टूडेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इज डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंस और जहाँ हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बहुत बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं तो वहाँ पे जो लार्ज एरिया है जो वहाँ का वेजिटेशन था जो फ्लोरा और फोना था जो भी बायोडाइवर्सिटी थी वो डैमेज हो जाती है तो वहाँ से भी इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट आर इंक्रीजिंग रेडियो एक्टिविटी इन द एनवायरमेंट न्यूक्लियर एनर्जी से हम एनर्जी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी लेकिन उससे रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है जो बहुत ज़्यादा रेडिएशन एनवायरमेंट में फैलती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं सभी लिविंग बींग्स के लिए ओके okay, स्टूडेंट तो ये एनर्जी uh, की जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो ये साइड इफ़ेक्ट हमारे एनवायरमेंट पे पड़ रहे हैं ओके स्टूडेंट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट द फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन टू रिड्यूस एनर्जी कंसम्शन तो हम क्या करें हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स करके इस एनर्जी कन्सप्शन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं जिससे हमारे एनवायरमेंट पर यह साइड इफेक्ट कम पड़ेंगे सो वी कैन स्विच ऑफ लाइट फैन टी वी एंड अदर सच इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज मेन नॉट नीडेड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए और उसके लिए जब नीड नहीं हो तो हमें फैन टी वी बल्ब इन सबको स्विच ऑफ करना चाहिए ओके okay? तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड है वो कम होगा ओके स्टूडेंट यूज एनर्जी इफिशियंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी एफिशिएंट जो होते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हमें यूज़ करने चाहिए जो कम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करते हों। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैम्प सी एफ एल हम बल्ब की जगह सी एफ एल या ट्यूबलाइट्स को यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिकल बल्ब जो कन्वेंशनल बल्ब होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं इसलिए हमें क्या यूज़ करनी चाहिए सी एफ एल एंड ट्यूबलाइट ताकि कम कंजप्शन हो इलेक्ट्रिसिटी का गुड क्वालिटी स्टोव शुड बी यूज टू बर्न फ्यूज लाइक कैरोसिन एंड एल पी जी सो हैज टू ऑप्टेन हीट हम जब किचन में यूज़ करते हैं तो हमें गुड क्वालिटी के स्टोव्स यूज़ करने चाहिए ताकि कम फ्यूल बर्न हो और उससे हमें ज़्यादा हीट मिले तो अगर उनकी एफिशिएंसी कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को खर्च करेंगे ओके okay, स्टूडेंट और स्मोक भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ओके प्रेशर कुकर शुड बी यूज फॉर कुकिंग फूड टू सेव फ्यूल फ्यूल को सेव करने के लिए हम क्या करें प्रेशर कुकर में फ़ूड को अगर कुक करेंगे तो जल्दी कुक होता है और फ्यूल कम वेस्ट होता है ओके सोलर कुकर शुड बी यूज टू कुक फूड और ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हम सोलर कुकर जहाँ पे इसका यूटिलाइज हो सकता है वहाँ हम सोलर कुकर को यूज़ करें तो हमें फॉसिल फ्यूल को कम यूज़ करना पड़ेगा वेयर एवर पॉसिबल एंड सोलर वाटर हीटर शुड बी यूज टू गेट हॉट वाटर और सोलर वाटर हीटर को यूज़ करके भी हम वाटर को हीट कर सकते हैं सो so, स्टूडेंट इस तरह से हम कुछ प्रोसेस फॉलो करके हमारी जो एनर्जी कंसम्शन की डिमांड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं द यूज़ ऑफ़ बायोगैस एज अ फ्यूल शुड बी एनकरेज इन रूरल एरिया रूरल एरिया में हम बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं और उस फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं बायसाइकल्स शुड बी यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज टू सेव फ्यूल लाइक पेट्रोल पेट्रोल को सेव करने के लिए हम शॉर्ट डिस्टेंस पे बाईसाइकिल को यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा ठीक है और पेट्रोल की तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ना तो हम पुराना ट्रेंड फिर से यूज़ कर सकते हैं कि हम साइकिल यूज़ करें या हम कई जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हमारा जो पेट्रोल वगैरह है वो थोड़ा कम यूज़ होगा ओके विच इज़ यूज इन कार स्कूटर एंड मोटरसाइकिल इन सभी में पेट्रोल यूज़ होता है तो हम क्या कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए या शॉर्ट डिस्टेंस है तो वी कैन गो बाय वॉक और बाय बायसाइकिल ओके स्टूडेंट तो इस तरह से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स तो ये स्टेप्स हमें फ़ॉलो करने चाहिए ताकि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करेंगे सभी जने मिलके तो हमारे एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो कम होगा ओके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हमारे जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो कम्प्लीट हो गए हैं इनको अच्छे से लर्न करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर तब तक इनको लर्न करते रहिए थैंक यू